देन अपने कैरेक्टर के बारे में हमें बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम हाशिम है, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है, एक बहुत लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक है। ही इज़ ज़ेबा'स फर्स्ट कज़न और उसका मंगेतर भी है, शादी होने वाली होती है। बट फिर ज़ेबा के साथ और इस पूरी फैमिली की ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से इनमें एक रिफ्ट आ जाती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ मेरे कैरेक्टर के बारे में ये है दैट बाई द एंड ऑफ द सीरियल इसकी जो इमोशनल आर्क है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें जो चेंज आता है, पर्सनली फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माई कैरेक्टर। बिकॉज कि ये शुरू तो जहाँ से भी हुआ बट ये कैरेक्टर एंड कहाँ पे हुआ, इसने क्या सीखा इस अपनी पूरी जर्नी से। सो दैट्स परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग विदाउट गिविंग टू मच अवे। अच्छा, ये ड्रामा है ये रेप सर्वाइवर के ऊपर, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ड्रामे इस तरह के जो बन रहे हैं और काफ़ी बन रहे हैं, तो इनसे क्या ड्रामों से कोई अवेयरनेस आएगी लोगों को? डेफिनेटली आएगी, बिकॉज मीडिया एंड दिस टेलीविजन मीडियम स्पेशली इन पाकिस्तान इतना पावरफुल मीडियम है, इवन फिल्म ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं शायद हमने उसको उतना पावरफुल मीडियम या पावरफुल चैनल हम शायद उसको नहीं समझते, बट ये है, बहुत पावरफुल मीडियम है टेलीविज़न। और आप लोगों को अच्छे तरीके से सलीके से कोई कहानी सुनाएंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे, इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट। अच्छा, आपका भी एक रिसेंटली ड्रामा ख़त्म हुआ है, उसमें भी आपने एक मनफी किस्म का किरदार अदा किया था, फितरत, तो इसमें भी आपने जो हमें बताया फास में, उसमें भी एक वो एक कन्फ्यूज्ड किस्म का, बिल्कुल हाँ, तो मतलब इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरह के किरदार करने में ज़्यादा मार्जिन होता है या एज फार एज फितरत वॉज कंसर्न, उसको मैंने हाँ इसीलिए किया था बिकॉज जब मुझे डायरेक्टर साहब की कॉल आई, ही डिस्कस द कैरेक्टर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद सो मच जूस एंड सो मच एनर्जी ऑल्सो। और जहाँ तक फांस के कैरेक्टर की बात है, आई थिंक ये बेचारा कन्फाइंड है, एक बॉक्स के अंदर बंद है, अपनी जहाँ तक इसकी सोच है, जहाँ तक इसकी एजुकेशन है, जहाँ तक इसके रिसोर्सेज हैं, तो हाशिम जो है ना वो फंसा हुआ है बेचारा। सो हाशिम और बिलाल दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं एज पीपल, बिकॉज बिलाल हैड एवरीथिंग, ही हैड मनी, ही हैड पावर, ही वॉज वेरी विकेड, वो एक फॉक्स की तरह था कि हर वक्त सोच रहा है कि अगली चाल कैसे चलनी। बट हाशिम इज़ वेरी इनोसेंट, और मैंने बहुत एम्पथाइज भी किया ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हाशिम के कैरेक्टर से। मुझे फ्रैंकली बड़ा तर्स भी आया इसके हाशिम पे, यार ये बेचारा सा। अच्छा, देन आपने शुरू किया था फिल्म से, तो फिल्म अब आप छोड़ के ड्रामों की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, तो कोई हाथ हाँ उसमें बेसिकली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू एक्टिंग। सो शुरू तो मैंने थिएटर से किया इन माई यूनिवर्सिटी एंड इवन आफ्टर दैट, तो अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो मेरा बैकग्राउंड तो थिएटर का है, उसके बाद फिर एक फिल्म की लाहौर से, एंड देन आई केम हेयर टू कराची फॉर टेलीविजन। तो अगेन एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए मीडियम ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटर है, फिल्म है, टी वी है, रेडियो है, जो भी, मेरे लिए उस काम की बॉडी ऑफ वर्क जो है या वो जो भी स्क्रिप्ट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह के किरदार अभी करना चाहिए? आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू चैलेंजिंग रोल्स जिसमें मैं अपनी कंफर्ट जोन से निकलूँ, दैट्स माय चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन एक खास किस्म का रोल होता है कि मुझे ये वाला रोल करना है या कोई हिस्टोरिकल करेक्टर है ये करना है, कोई खास हाँ मेरी कोई एज सच प्रेफरेंस नहीं है। अगेन अच्छा लिखा हुआ किरदार कंटेम्प्रेरी दौर का भी हो सकता है, पुराने दौर का भी हो सकता है, बट वो अच्छा लिखा। और मेरा जो एक ड्रीम रोल है, शाहिद अफरीदी पे अगर कोई फिल्म बने उनकी लाइफ पे, वो कैरेक्टर मैं करना चाहूँगा, शाहिद अफरीदी का, यस उनकी उनकी बायोग्राफी अगर बनी तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो किस तरह, मतलब उनको आप मजीद रिसर्च करेंगे उनके ऊपर या काम किया हुआ है ऑलरेडी कोई सा, मिलेगा तो बस कर लूँगा? दो मुलाकातें हुई हैं उनसे। आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, आई प्लेड, तो
और वो एक ऐसा स्टार है पाकिस्तान का जिस पर फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है आई थिंक, तो ये कैरेक्टर मैं लाजमी करना चाहूँगा। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं अभी बताएं, क्योंकि आपने अभी तो कदम रखा है या? तो आगे क्या करेंगे, जैन किस तरह की हम चीज़ों में इनको मजीद देखेंगे? आगे का आई टेक लाइफ एज इट कम्स, नंबर वन। नंबर टू, आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू गुड स्क्रिप्ट, और माशाल्लाह फ्रॉम फांस आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स एंड डायरेक्टर ऑल्सो एंड अ वेरी 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 गुड स्क्रिप्ट, सो आई हैव बीन वेरी लकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।